हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी दोस्तों? आज मॉर्निंग का ये एग्ज़ाम था दोस्तों। ये एग्ज़ाम मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। इवनिंग का एग्ज़ाम भी इसी तरह का होगा दोस्तों। कुछ ही देर में इनकी कीज भी आ जाएगी। कीज आने से पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। और सेकंड क्वेश्चन पूछा है, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में यह घोषित किया गया कि वह खालिस्तान को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेंगे। दोस्तों इसका आंसर गुड़गांव आएगा। गुड़गांव इज़ राइट आंसर। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से देश में भूमध्य सागर तट को स्पर्श नहीं करता है? ग्रीस, टर्की, स्पेन, जर्मनी। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं अभी। कीज आनी अभी बाकी है। कीज इस वीडियो के करीब 20 मिनट के बाद आएगी। 20 मिनट के बाद कीज आ जाएगी। भगवान शिव की कृपा से अर्जुन को एक शस्त्र प्राप्त हुआ था, वह कहलाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है क्वेश्चन दोस्तों। महाभारत से हर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये मैथ का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। दूरी जो कि 10वीं और 9वीं क्लास में क्वेश्चन आते हैं, उसी बेस पर बनाई हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पांडव के गुरु द्रोण कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान किसकी ओर लड़े? पांडवों के गुरु दोस्तों सभी को पता है कि कौरवों की ओर लड़े थे। हरियाणा के गुड़गांव जिला वर्ष खालिस्तान में बना। गुड़गांव जिला कब बना था दोस्तों, आप सभी को पता है। इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। तांबा आदर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वायु में अभिक्रिया कर हरे रंग की खालिस्तान बनाता है, हरे रंग की क्या बनाता है? दोस्तों आपके पास मौका है, यदि इवनिंग शिफ्ट वाले इस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो ज़रूर अच्छी प्रकार से इनके आंसर भी मैं कुछ 20 मिनट के बाद जारी कर दूंगा। कृपया आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि जल्दी मैं इसकी आंसर की भी डालने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों, यदि 9 जुलाई को सोमवार है तो उसी वर्ष की 26 जुलाई को क्या होगा? हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रथम राज्यपाल आपको पता है कि श्री धर्मवीर जी थे। यमुना नदी हरियाणा की किस सीमा पर से बहती है? आप सभी को पता है, अपन अम्बाला जिला सिंचाई हेतु खालिस्तान पर निर्भर है। बहुत से चैनल युद्ध भूमि धर्म की भूमि के नाम से संबंधित है। कुरुक्षेत्र खालिस्तान के उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है। ये देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन भी है दोस्तों, ये ध्यान से देखिएगा। रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, आप देख सकते हैं। उसी तर्ज पर उसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, जैसे पिछले एग्जाम में हुआ था। करनाल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? एक गोलाकार दर्पण और पतले गोलाकार लेंस दोनों को ही फोकस लंबाई +25 सेंटीमीटर है। दर्पण और लेंस होने की संभावना है। बारिश की बूंद किसके कारण गोल दिखाई देती है? पृष्ठीय तनाव के कारण दोस्तों, आपको पता है। बोरेक्स बोरेक्स के निर्माण में प्रयुक्त होता है, आप देख सकते हैं। बोरेक्स के निर्माण में क्या प्रयुक्त होता है दोस्तों? निम्नलिखित को पढ़िए आप, ये मैंने आपको बता ही दिया है दोस्तों। ये देखिए, फिर थारी पेंशन थारे पास योजना 2015 के दौरान सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी। ये देखिए दोस्तों, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। थारी पेंशन थारे पास, जो कि हरियाणा सरकार द्वारा ये योजना लॉन्च की गई थी। समीकरण दोस्तों, समीकरण से रिलेटेड भी क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रत्येक एग्जाम में आ रहे हैं समीकरण से रिलेटेड। लोकसभा के स्पीकर के चुनाव की तिथि किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? प्रोटीम स्पीकर, राज्यसभा अध्यक्ष, संसदीय मामलों के मंत्री या उक्त में से कोई नहीं। रंजीत सागर बांध किस नदी पर बना है? रंजीत सागर, रावी, व्यास, सटलेज, चेनाब। अगला क्वेश्चन दोस्तों मैथ का है। अगला दोस्तों, तेरिया के मजमूम खालिस्तान द्वारा लिखा गया। ताफ हुसैन अली, अमीर खुसरो, उमराव जान, अल्लाह बख्श। ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ ताकि आने वाले एग्जाम के लिए आप अच्छी प्रकार से तैयारी कर सकें। पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू और अकबर के बीच लड़ा गया था दोस्तों। इसका कवर इज राइट आंसर। भारतीय संविधान में केंद्र के साथ अवशिष्ट शक्तियों का विचार खालिस्तान के संविधान से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों का जो विचार है, किस किस संविधान से लिया गया है? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके। हरियाणा में किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व दोस्तों फरीदाबाद में है। ये देखिए दोस्तों, इससे संबंधित भी प्रत्येक जो क्वेश्चन पेपर में, चाहे किसी तिथि का हुआ हो, किसी डेट को हुआ हो, ये क्वेश्चन जरूर मिलता है। जैसे टेस्ट का 64 है और एग्जाम का क्या होगा? ये देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में सैंडल चोटी उपस्थित है? ये आप देख सकते हैं, धीरे धीरे दिखा रहा हूँ दोस्तों, अच्छी प्रकार से देखिएगा आप। रिपीटेड क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, उसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों।
पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ दोस्तों, सभी को पता है 1761 में हुआ था। ये कॉरपोरेट संस्था जो हाल ही में विश्व में $2 ट्रिलियन सार्वजनिक सूचीकृत कंपनी बनी, ये देखिए दोस्तों, किसने शारजहाँ का म्यूर शासन लूटा था। अन्य तीनों से भिन्न संख्या कौन सी है, भिन्न संख्या कौन सी है, तीनों में से भिन्न संख्या कौन सी है। HUHM का अर्थ है भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण योजना की स्थापना की स्तुति किस समिति ने की, समीकरण देख सकते हैं आप। पानीपत का तीसरा युद्ध खालिस्तान के दौरान लड़ा गया, ये देखिए दोस्तों, मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ ताकि अच्छी प्रकार से आप देख सको। ये देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध वाक्य एक अनियंत्रित कलम नष्ट करने की सेवा करती है के लिए जाना जाता है, देख सकते हैं आप। इस तरह ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार आ रहा है, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन अब की बार अच्छी प्रकार से आए हुए हैं। खालिस्तान जिला हल्के इंजीनियरिंग वस्तु उद्योग हेतु प्रसिद्ध है, अम्बाड़ा या फरीदाबाद या रेवाड़ी या गुड़गांव, निम्नलिखित को मिलाइए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, ये देखिए दोस्तों अच्छी प्रकार से आप मिला सकते हैं। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध वाक्य एक अंतरित, या आपको क्वेश्चन पहले बता ही दिया दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं आप देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, वीडियो कैसेट कंप्यूटर का किससे रिलेटेड संबंध है आप जान सकते हैं। दोस्तों आपके पास टाइम बहुत बाकी है, देखिए दोस्तों धीरे धीरे आपको दिखा रहा हूँ। देहाती मेला कहाँ आयोजित होता है, देहाती मेला आप देख सकते हैं दोस्तों। इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 20 मिनट के बाद हम इसकी केस भी डाल देंगे सारे क्वेश्चन की। ये देखिए दोस्तों, गुजरी महल कहाँ पर है, हिसार में है दोस्तों, ये सभी को पता है। हिमालय पर्वत से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, मोरनी की पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु क्या है, करोहा है दोस्तों, आपको पता करोहा है, 1514 मीटर की है ये। हरियाणा अंतरजातीय विवाह के लिए नकदी पुरस्कार है ₹1 लाख, ये देखिए दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये इंग्लिश के क्वेश्चन है दोस्तों, इंग्लिश के क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन दोस्तों, जिनका सेकंड पार्ट में अब एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए स्पेशल मैंने एग्ज़ाम होते ही निकाल दी थी। ये देखिए दोस्तों, सरला से फल खाया जाता है, यह कृतवाच्य बनाइए, सरला ने फल खाया। विद्या प्लस में अभ्यास, विद्या अभ्यास में कौन सी संधि है, दीर्घ, दीर्घ संधि है दोस्तों, दीर्घ संधि है। जहां ऐप प्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत अर्थ की व्यंजना की जाती है, इसमें कौन सा अलंकार है, ये देख सकते हैं, ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, इसकी जल्दी की डालूंगा मैं। निम्नलिखित में से सही वर्तनी कौन सी है, सुमेलित कीजिए, सुमेलित आसानी से कर सकते हैं दोस्तों, हिंदी सामने दी हुई है, आप आपस में मिलाएंगे तब ठीक हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल आसान पेपर है। धोती शब्द का बहुवचन बताना है। दशानन रावण या कौन सा समास है दोस्तों, बहुवरी समास है। लड़का कपड़ा धोता है, इसमें कपड़े का पद परिचय देना है। शोक किस रस का स्थायी भाव है, शोक। निम्नलिखित में से घर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, घर शब्द का। पूत शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है, पूत, पूत दोस्तों का क्या उपसर्ग सही लगता है, आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ है, आंखें चार होना, कठिनाइयों में पड़ना, एक दूसरे को देखना, क्रोध आना, नींद आना, कठिनाइयों में पड़ना दोस्तों, इस तरह इस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए थे। अगर आप क्विज लेना चाहते हैं तो 20 मिनट के बाद इसी यूट्यूब चैनल पर मैं क्विज आपके लिए डालूंगा, और दोस्तों अपने क्वेश्चन अच्छी प्रकार से मिलाइएगा दोस्तों, हमारी क्विज 100% राइट होती है। कृपया इस YouTube चैनल यूथ इंडियन को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।